गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, बहुत सारे बर्ड्स की पिक्स मैंने आपको दिखाई हैं और लिखा है कि सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मीट किस पक्षी का होता है। जो पक्षी ये सामने आपको दिख रहा है, ये तो इंडिया का नेशनल बर्ड है। इसका स्वाद के बारे में मैं आपको एक शब्द भी नहीं बोल सकता, लेकिन जितने भी आपको मैंने दिखाए सब के बारे में बताता हूँ। और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट डिलीशियस किस पक्षी का मीट है और उसकी शिकार कैसे की जाती है बिना कोई हथियार के, बिना कुछ के। ये देखो, एक पालतू कबूतर है, इसके बारे में बताऊंगा। और बहुत सारे बर्ड्स दिखाए मैंने, इसमें मैंने आपको कोयल का एक पिक भी दिखाया दोस्तों, लेकिन कोयल के शिकार पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है उसको भी कहीं ना कहीं संविधान में मान्यता है। ये जो गोरैया पक्षी है गाइज, इस पक्षी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर दिल्ली का कोई बंदा इसको देख रहा है तो प्लीज़ ध्यान रखें, ये दिल्ली का राज्य पक्षी है। अब ये जो तीतर है आपको दिख रहा है, इसकी शिकार कैसे की जाती है? अब जो पक्षी आपके सामने आया, इसको शायद बहुत कम लोग हैं जो इसको बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है, लेकिन गाइज मैं आपको बता सकता हूं, यह है नर। यह पक्षी है नर, कोयल। कोयल को आज तक आप लोगों ने देखा है वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन नहीं, मादा का कलर ब्लैक होता है केवल, नर का नहीं होता गाइज। और ये जो है टिटहरी लेफ्टविंग जो आप देख रहे हो, इसके भी शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। आप पाकिस्तान के किसी वीडियो को देखोगे तो वहाँ इसके शिकार करते हुए आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे। ये जो एक तीतर का सामने आपने फोटो देखा, सबसे बड़ी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे स्वादिष्ट, पहले ये देखते हैं। ये कोयल मादा है और इससे पहले जो पिक आपके सामने आई थी वो नर था। अब मैं इस पक्षी के बारे में बताता हूँ, ये तीतर है और इसका मीट कहा जाता है पक्षियों में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और इसका शिकार हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में सबसे ज़्यादा होने का मुख्य कारण है कि इसका शिकार करने के लिए आपको कोई हथियार की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम कहते हैं तीन बार उड़ा दो उसके बाद ये उड़ नहीं सकता, और भाग के लोग इसको पकड़ लेते हैं। जैसे पहली बार ये उड़ता है लगभग 200 मीटर, लगभग तीनों उड़ान इसकी 200 मीटर 300 मीटर के आसपास होती हैं। और राजस्थान के खुला जो एरिया है उसमें ये पक्षी ज़्यादा लंबा उड़ नहीं पाता और इसके शिकार इजीली किया जाता है। तो मैं जो आपको जानकारी देना चाहता था वो यही है दोस्तों, कि पक्षियों में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट अगर कोई पक्षी का मीट है और सबसे ज़्यादा शिकार होती है वह है ये तीतर। पिकॉक्स मैंने दिखाया प्रतिबंधित है इंडिया में, कोयल मैंने दिखाई प्रतिबंधित है, कबूतर पालतू जानवर है, हर एक उसको खाते हैं, लेकिन उसका नमकीन ही होता है मीट, अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन गाइस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।